तो भाई फाइनली हम आ गए थे हैमबर्ग, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। ये होटल की लिफ्ट है और हमने हिल्टन बुक कराया है। तो फिलहाल आज की आपको कहानी पूरी पता चल गई होगी और एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, बाहर निकल के बताता हूँ क्या क्या हुआ आज हमारे साथ। भाई देखो यहाँ पूरे जर्मनी में ना जगह जगह ग्राफिटीज़ बना रखी है, यहाँ पे भी है वो पीछे भी थी, जगह जगह ग्राफिटीज़ सी हैं। और आज सैटरडे संडे है, वैसे चीज़ें बंद हैं और हमें ना अभी सुपरमार्केट जाना है। यहाँ से सुपरमार्केट है 3 मिनट और दिखा रहा है अभी भी, तो होटल से काफ़ी दूर है। हमने हिल्टन बुक कराया था, हिल्टन सिटी सेंटर में दिखा रहा था, पर उसके अलावा भी इतनी दूर है भाई, बहुत दूर है। तो जा रहे हैं, यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है क्योंकि हम टैप वाटर पी नहीं सकते, हमारे लिए बहुत अजीब सा होता है। भाई यहाँ भी ग्राफिटी बना रखी है। अब गाड़ियाँ देखो यहाँ पे, एक से एक गाड़ियाँ हैं, मोटा उतर रहा है गाड़ियों से, बियर पी भी कैसा हो रहा है। हाँ भी बियर पी रहे हैं। हाँ होटल के सामने था, यहाँ पे मम्मी ने पूरा घुमा के लेके आई है फिर से यहीं पे। ये बहुत बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। मैं बोल रहा था यहीं है और सारे पागल हैं यहाँ पे लोग, भाई लोगों को पता ही नहीं आसपास क्या है, वो यही कर रहे हैं। चलो हमें यहाँ से रूट क्रॉस करनी है, आ जाओ। भाई सब गाड़ियाँ देखो जरा, हैमबर्ग। नॉर्मल वाटर, रेगुलर। Sparkling water. Yes. No, regular water. Regular. Regular. Yeah. This is normal. This normal? I know. This is a classic. Which one? Sparkle. This is normal. Normal. Yes. Okay. On a big bottle. Take this here. Okay. Thank you. No problem. तो भाई यहाँ sparkling water ज़्यादा पीते हैं लोग। भाई पानी की बॉटल है 200 रुपए की, ये वाली देखो क्या स्टाइलिश बॉटल है ना। और बियर देखूंगा ना, बियर इससे सस्ती होगी, देखना आप बियर चेक करते हैं। बियर देखो मम्मी, बियर 1.29 यूरो और ये भी है 2.83 यूरो। यहाँ पे आपका ये पता नहीं क्या है ड्रिंक, 1.59 यूरो। अगर हम बात करें केक वगैरह की, 3.5 × 91 कर लेना, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे और क्या क्या ड्रिंक्स है, कार्ल्सबर्ग देखोगे तो 1.89 की है, 1.89 की है कार्ल्सबर्ग, 2.7 की है आइस टी, फैंटा 1.9 की, माउंटेन ड्यू 1.9 की, कोक मिल रही 1.9, छोटी बॉटल 2.9 का भी मिल रहा है। और चेक करें ये चॉकलेट्स हैं कुछ, इंडिया में जो मिलता है वही चेक करेंगे, जैसे कैडबरी की है, मिल्क इधर जैसे मिल रहा है, नहीं इसको छोड़ो। ये भी नहीं, किंडर जॉय 4.1, ये फ्रूट्स हैं 0.6 यूरो के। हर जगह बियर है भाई, हर जगह बियर मिलेगी आपको। ये मैगजीन्स हैं, ये वाइन है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं बाहर निकला हूँ, आई एम इन हैमबर्ग जर्मनी। तो यार देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे सैटरडे संडे को ना यूरोप में यूजुअली चीज़ें बंद जाती हैं, टोटली बंद रहती हैं। मैं आप आसपास देखोगे ना, कुछ भी कोई भी शॉप नहीं खोली है, सब बंद है A to Z, सब बंद है, गाड़ियाँ एक से एक है यहाँ पे। और अब वेदर देखो कितना प्यारा वेदर हो रखा है। यहाँ पे सैटरडे संडे को मैंने चेक करा कि मॉल्स भी बंद है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो हम सैटरडे संडे को ही हैमबर्ग आए हैं, अब कल देखते हैं क्या कर पाएंगे हम यहाँ पे, कुछ नहीं खुलता और अभी भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यूरोप में क्या हो रहा है कि रात के 10:30 बजे भी इतनी लाइट, सो दैट इज़ रियली मतलब बहुत सरप्राइजिंग है हमारे लिए, कि हम तो इंडिया से आए, इंडिया बहुत जल्दी रात हो जाती है। पर बहुत प्यारी सिटी है, मेरे को अच्छी लगी, धीरे धीरे अच्छी लग रही है। स्टार्टिंग में फर्स्ट इंप्रेशन था डेनमार्क का, था डेनमार्क की बहुत ही प्रीमियम जगह लगी, बड़ी हैमबर्ग मेरे को बहुत ही बेसिक सी जगह लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी शेडी प्लेस लगी। मे बी जर्मनी अलग है, डेनमार्क अलग है, और हैमबर्ग में सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन पॉपुलेशन है, दैट इज 18 लाख ओनली, और डेनमार्क में 59 लाख थी। तो देखो अभी कल का दिन और है,
कैसा होता है वो हम आपको देख के बताते हैं। और यहाँ पे एक मैंने ये देखा गेमिंग पार्लर टाइप है, गेमिंग कियोस्क जहाँ पे आप खेल सकते हो सारी चीज़ें। और बाकी मेरे को कैफेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिले, और जगह जगह ग्राफिटीज़ हैं देख सकते हो आप, यहाँ पे भी ग्राफिटी है, बहुत सारी ग्राफिटी चल रही है। और ये मेट्रो जा रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और रात होने वाली है, कितना क्लासी लग रहा है। आप गाड़ियाँ देखो, एक से एक गाड़ियाँ भाई, अभी तो आपको दिखेंगी नहीं, स्पोर्ट्स कार चल रही है यहाँ पे एक से एक, बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं यहाँ पे ना। पूरे यूरोप में क्या है, जब आपको रेड लाइट दिख रही है एक ग्रीन होती है जब आप क्रॉस कर सकते हो, ये वॉकिंग के लिए है, ठीक है। सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती हैं भाई, भाई देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती है और आप वॉक करते हो, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे वॉक करने का, एक ग्रीन होगी उसके बाद हम आगे निकलेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है हैम्पटन बाय हिल्टन जहाँ पे हम रह रहे हैं भाई। लेम्बो इज द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग, हैम्पटन बाय हिल्टन, ठीक है। इसकी एंट्री कुछ ऐसी है और ये बस वसेज हैं यहाँ की, जैसे आप बस से आप फॉलो वगैरह कर सकते हो। और कार दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, अभी तो कार निकलेगी। भाई हम निकले अभी रात को, मम्मी को मैंने हैमबर्ग बनाया था, मम्मी का सोने का मुँह था, मैं कहा नहीं हैमबर्ग देख के आएंगे, इतना प्यारा लग रहा है रात को, ये चीज़ तो देखनी बनती है यार। ये देखो क्लासी, अरे मम्मी। तो भाई मम्मी से मैंने कराया नाइट फोटोशूट, मज़ा आ गया, और मम्मी का पहला नाइट आउट करा दिया मैं 10:30 बजे पहली बार बाहर भी हो। हाँ भाई ये हमारा डिनर है, डिनर कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट है हैमबर्ग में, ये हैश ब्राउनी पोटैटो, ये वॉफल, ये एग्स, ये कस्टर्ड, ये जूस, ये पता नहीं क्या है, मम्मा ने भी लिया है भाई। टेबल 9 पॉइंट वो भी इतना रेट है, डोसा का रेट 10 यूरो। डोसा नहीं है, डोसा तो हुआ है, फिर आप प्लेन डोसा, मसाला डोसा 9.20 यूरो।